नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपका दोस्त अर्जुन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए वीडियो का और शेयर करना। दोस्तों, अपन चलते हैं राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, चलिए अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक की ओर चलते हैं। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी को क्या कहा जाता है, जायल, गुड़ला या झायल या चायल? तो दोस्तों, गोगा जी के मुस्लिम पुजारी को किस नाम से जाना जाता है, तो चायल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर दो, गोगा जी के गुरु का नाम क्या था, गोरखनाथ, बालीनाथ, भैरवनाथ या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर तीन, देव नारायण जी की फड़ किन के द्वारा पढ़ी जाती है, गुज्जर भोपों द्वारा, पापू जी के भोपों द्वारा या दोनों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, देवनारायण जी की फड़ गुज्जर के बोपों द्वारा बांची जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर चार, वह लोग देवता जो अमीर को लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे, डूंगर जी, जावार जी या झुंझार जी या फत्ता जी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, डूंगर जी और जावार जी अमीरों को लूटकर इनका धन किसमें, गरीबों में बांट दिया करते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर पाँच, पंच पीरों में शामिल नहीं हैं गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी या तेज जी? तो दोस्तों, अपन जान सकते हैं तेज जी महाराज पंच पीरों में शामिल नहीं हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर छः, ऊँटों के देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय हैं, तेज जी महाराज, पापू जी महाराज, गोगा जी महाराज या हड़बू जी महाराज? तो दोस्तों, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पापू जी महाराज को जाता है। प्रश्न नंबर सात की ओर चलते हैं। किस लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था, गोगा जी या तेजा जी या बाबू जी या रामदेव जी? तो दोस्तों, गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था और मोहम्मद गजनवी ने इन्हें जिंदा पीर की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? जिंदा पीर की। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर आठ, राजस्थान में एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, रामदेव जी, बूढ़िया बाबा, मल्लीनाथ जी या गोगा जी? तो दोस्तों, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए। इनके द्वारा 24 वाणियां ग्रंथ लिखा गया था। क्या लिखा गया था? 24 वाणियां ग्रंथ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर नौ, ऊँटों की पालक रायका या रेबारी जाति के आराध्य देव हैं, बाबूजी, गोगा जी या तेजा जी, रामदेव जी? तो दोस्तों, बाबूजी महाराज रेबारी जाति के आराध्य देव माने जाते हैं और राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी महाराज को जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर स्थित है, साचोर, जालोर, चूरू या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, साचोर में गोगा जी की ओल्डी स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, गोगा जी को जहार पीर देवता की उपाधि किस सुल्तान ने दी थी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोजा शाह तुगलक? तो दोस्तों, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गजनवी।
इसने गोगा जी को जहार पीर की उपाधि दी थी, जिसे जिंदा राजा भी कहा, जिंदा पीर भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 13। सबसे लंबा लोकगीत किस लोक देवता का है? तो दोस्तों इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए रामदेव जी का। 24 वाणिया ग्रंथ सबसे लंबा वाचा जाता है, जिसमें 48 मिनट लगते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 14। रामदेव जी के उपदेश कितनी वाणियों में हैं, जिन्हें बाबारा पर्ची कहते हैं? तो दोस्तों अपन कह सकते हैं कि 24 वाणियों में उपदेश दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 15। राजस्थान में किस लोक देवता के पगलियों की पूजा की जाती है? तेजाजी, देवनारायण जी, कल्ला जी या रामदेव जी? तो दोस्तों रामदेव जी के पगलियों की पूजा की जाती है। राजस्थान के लोक देवता में रामदेव जी के पगलियों की पूजा की जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 16। फड़ कला की विश्व में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का श्रेय प्राप्त करने वाले एकमात्र कलाकार मोहन जोशी, श्यामलाल जोशी, कन्हैयालाल जोशी या श्रीलाल जोशी? तो दोस्तों इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलाल जोशी। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 17। बाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ पड़ गाते हैं? मशक, रावणहत्ता, नौबत या खड़ताल? तो दोस्तों रावणहत्ता पर। देवनारायण जी के प्रमुख देवरे कहाँ हैं? देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में, देव डूंगरपुरी चित्तौड़ में, देवमाली ब्यावर अजमेर में, उपरोक्त सभी? तो दोस्तों उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 19। चार हाथ के लोक देवता के रूप में कौन विख्यात है? वीर फत्ता जी, वीर तेजा जी, वीर कल्ला जी, वीर जुझार जी? इन्हें वीर कल्ला जी, इन्हें शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेषनाग का अवतार। प्रश्न नंबर 20। लोक देवता हड़बू जी का वाहन है घोड़ा, चीता, सिंह या सियार? तो दोस्तों इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी सियार। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।